बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, जो हमारी केबल्स में से पहली स्टार्ट केबल थी। कंप्यूटर से लेक्चर है हमारा, आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल पहले इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते क्या है। वो कहते हैं वायर दैट कंसिस्ट ऑफ द वायर सराउंडेड बाय द इंसुलेशन। पहली बात उसकी जो हम फॉलो करेंगे कि हमारे पास जो वायर है वो बहुत ज़्यादा इंसुलेटेड है। ट्विस्टेड पेयर केबल आपको याद होगा, जिसमें हमने क्या किया था, पेयर बनाए थे, ट्विस्ट करके चार पेयर थे, तो इसी तरह, लेकिन वो कमज़ोर वायर थी। वहाँ पर दूसरी केबल जो है कोएक्सियल है, इसकी हम पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया कुछ, तो एक वायर ये इसके पास है, ठीक है, पहली वायर। उसके बाद इसके ऊपर इंसुलेट किया गया, फिर इसके पास एक और वायर, यहाँ पर हमारे पास एक जाल नुमा वायर होती है, ये वायर आ गई, फिर इसको इंसुलेट किया गया और लास्ट में फिर इसको इंसुलेट किया गया। यानी कि ये एक टफ प्लास्टिक से बनी है, ठीक है, एक टफ प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल की गई है, यानी कि इसको कोई चोट ना पहुंचे और मौसमी चीजों का इस पर कोई असर ना हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा, कोई असर ना हो किन चीजों का, मौसम का, वेदर का। अब इसको हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, ये वायर हमारे पास कहाँ इस्तेमाल की जाती है, मैंने यहाँ लिखा है यूज टेलीविजन इंडस्ट्री। आप देख रहे हैं जो हमारे पास गली मोहल्लों में जो केबल चल रही है आपके पास, आप उसमें इसको आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारे पास जितने भी केबल के जो हमारे पास चैनल चल रहे होते हैं उनके अंदर एक आप देखें हाई स्पीड डाटा गुजर रहा होता है, कि जो भी आप चैनल चलाएंगे उसके अंदर आपको कोई ऐसा चैनल नहीं होता कि वो रुक जाए। वो एक अलग रीज़न है कि अगर वो रुका हुआ है वो किसी और रीज़न से रुका हुआ, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा चैनल नहीं होता जिसमें फ्लो ना हो। तो उसकी पहली बात कि इसमें से हाई स्पीड डाटा गुजर सकता है। टेलीविजन इंडस्ट्री के बाद और कहाँ इस्तेमाल की जा रही है, कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल की जा रही है, और इस्तेमाल की जाती है सीसीटीवी कैमरास। अब यहाँ का सीसीटीवी कैमरास का मतलब, ये जो सीसी का मतलब है, इसे कहते हैं क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है। इसके साथ लफ्ज कैमरा हमें खुद लिखना होता है, जो हम नहीं लिखते कैमरा, ये हमें खुद से लिखना होता है। कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की जा रही है। अब यहां पर क्या करते हैं, अब हमने कंप्यूटर की नेटवर्किंग कुछ इतनी ज्यादा होने के बावजूद, जहां पर हमें वायर डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, हमारा कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए जो बीच में वायर का डिस्टेंस है वो ज्यादा होने की वजह से हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि हमारा हाई फ्लो डाटा गुजर सके। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा, जितने भी आप गली मोहल्लों में कैमरे या दुकानों में, गोदामों में या किसी मॉल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं कैमरास, उन सब के अंदर भी जो इस्तेमाल की जा रही है वो यही वाली केबल इस्तेमाल की जा रही है। तो ये इसके हमारे पास टॉपिक के कुछ फायदे भी हो गए, इसके नुकसान भी हो गए और इसकी डेफिनेशन भी हो गई। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होते हैं इसकी खसूसियात। इसकी खसूसियात क्या है, पहली खसूसियात ये है कि ये हाई स्पीड डाटा गुजारती है, दूसरा एटलीस्ट ये हमारे पास इजी इंस्टॉल है, आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है, तीसरी बात इस पर कोई असर नहीं होता मौसम का, कोई भी असर नहीं होता मौसम का, मौसम यानी कि आपके पास वेदर का कोई इस पर इफेक्ट नहीं होता। आप अपने गली मोहल्लों में देखते हैं कि जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जा रही हैं, जो खंभों के पास लगाई जाती हैं वायर्स, उनके पास एक खंभे से दूसरे खंभे के दरमियान में वायर लगा देते हैं, जबकि उसके ऊपर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक वायर भी गुजर रही है। इलेक्ट्रिक वायर गुजरने के बावजूद फिर ये ओपन है, ओपन नेचर है, यानी कि यहाँ से अगर बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो गीली हो जाएगी, गीली होने के बाद फिर धूप पड़ेगी, सूख जाएगी, फिर दोबारा ऐसा होता रहे उस पर, तो तब भी आप देख लें आपकी वो वायर खराब नहीं होती, क्योंकि उस पर टफ प्लास्टिक की हुई है, मौसमी असर नहीं होता। और क्या असर नहीं होता इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक
फ्रिक्वेंसी और रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी असर नहीं होता खंभों के साथ, इसलिए हम इसको आसानी से अटैच कर देते हैं कि इसकी इंसुलेटेड ज्यादा होने की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो साथ से खंभों के ऊपर जो वायर आप देख लें वो नीटेड वायर होती है बिल्कुल खुली हुई वायर, उनका भी इसके ऊपर कोई खास असर नहीं होता कि आपका कोई चैनल खराब चल रहा हो, ऐसा कोई भी असर नहीं होता। दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि एफएम वगैरह जो रेडियो आप सुनते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी का भी इस पर कोई खास असर नहीं होता जिसकी वजह से वो आपकी डिस्टॉर्शन पैदा हो जाए या किसी पिक्चर की एलिमेंट खराब होने लग जाए। ठीक है बेटा, तो आपने ये सारा लिखना है, लिखकर क्लास वर्क आपने ग्रुप में भेजना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।